चलिए शुरू करते हैं पनीर पराठा बनाना। इतना मात्र पवारे ना मात्र बोले। ये पराठा बनाने के लिए हमने 2 बाउल आटा ले लिया है। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देते हैं। इस आटे को हम पानी डालकर लगा लेते हैं। ये आटे को हम गूठी दे दे के लगा लेंगे। जितनी ज़्यादा हम आटे में गूठी देंगे उतनी ज़्यादा हमारी रोटियां या पराठे अच्छे बनेंगे खाने में। ये आटा हमारा लग के तैयार हो चुका है, तो इसको हम 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। पनीर पराठा बनाने के लिए हमने 200 ग्राम पनीर ले लिया है, जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया था, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। 5-6 हमने लहसुन की कलियां ले ली है, इनको हम खल्लड़ में कूट लेंगे। 2 प्याज ले लिए हमने, इनको बारीक काट लिया है। थोड़ा सा अदरक ले लिया है, इसको भी हम कूट लेंगे या कद्दूकस कर लेंगे। 4 हमने हरी मिर्च ली है, इनको भी बारीक बारीक काट लिया है। स्वाद अनुसार नमक ले लिया है। थोड़ी सी लाल मिर्च ले ली है 1 चम्मच के लगभग। 1 चम्मच हमने भुने हुए जीरे का पाउडर ले लिया है। 1 चम्मच हमने अमचूर पाउडर ले लिया है। 1/2 चम्मच हमने अजवाइन ले ली है। 1 चम्मच धनिया पाउडर ले लेंगे। इन सब को मिक्स करके हम मसाला बना लेंगे पराठों का। ये हमारे पराठों के लिए मसाला तैयार है, तो अब हम पराठे बना लेते हैं। ये पराठा बनाने के लिए हम चूल्हा जला लेते हैं। ये चूल्हा जल चुका है, इस पे हम पराठे बनाने के लिए तवा चढ़ा देते हैं। ये हमने एक लोई को बेल लिया है, इसके ऊपर पनीर की स्टफिंग डाल लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा डाल लेंगे इसके ऊपर, और इसको हम चारों तरफ से ऐसे किनारियों से पकड़ के ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये पराठे में हम सूखा आटा लगा लेंगे, जिससे कि हमारा पराठा चिपके ना। ये पराठे को हम हल्के हाथों से बेल लेंगे चारों तरफ से। ये पराठा हमारा बेल चुका है, इसको अब तवे पे सेक लेंगे। ये तवे पे हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे, जिससे पराठा हमारा चिपके ना। ये पराठे को हम पलट लेते हैं। ये पराठा हमारा ऊपर से सिक चुका है, इसमें हम घी लगा लेंगे। इसको हम दूसरी तरफ से भी पलट लेंगे, इस पे भी हम घी लगा लेंगे दूसरी तरफ भी। ये पराठे को हम दोनों तरफ से अच्छे तरीके से सेक लेंगे। ये पराठा हमारा सिक चुका है, इसको उतार लेते हैं। दूसरे पराठे को भी हम सेम तरीके से ही बना लेंगे, इसको भी हल्के हाथों से बेल लेंगे। ये हमारा पराठा बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल के तैयार है, बिल्कुल भी नहीं फटा है। इसको भी हम सेम तरीके से तवे पे सेक लेंगे, इसको पलट लेंगे। इस पे हम घी लगा लेंगे दोनों तरफ, घी लगा के दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। पलट के दूसरी तरफ भी घी लगा लेंगे। ये हमारा पराठा सिक चुका है अच्छे से, इसको हम उतार लेते हैं। तो ये हमारे पनीर के पराठे बनके तैयार है। तो बहुत ही अच्छे पराठे बने हैं चूल्हे पे, तो आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।